हेलो एवरीवन, अभी जो मार्केट में ग्रेप्स आ रहे हैं एकदम पके हुए आ रहे हैं। ये जो ग्रेप्स होता है एकदम परफेक्ट होता है किशमिश बनाने के लिए। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी किशमिश कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाजार से हम बहुत ही महंगे दामों में किशमिश खरीद के लाते हैं, वही आप घर में बहुत कम लागत में अच्छे क्वालिटी के किशमिश बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से किशमिश बनाना बताऊंगी। सबसे पहले आपको बता दूं, किशमिश के लिए आपको एकदम पके हुए मीठे ग्रेप्स लेने हैं और ग्रेप्स का स्किन यानी छिलका एकदम पतला होना चाहिए, ऐसे ग्रेप्स का किशमिश अच्छे बनते हैं। देखिए, एकदम ऐसे पतला स्किन वाला ग्रेप्स लेना है। मैंने यहाँ पे 1.5 किलो ग्रेप्स लिया है। अब सारे ग्रेप्स को गुच्छे में से तोड़ के अलग कर लूंगी। गुच्छे में एकाध ग्रेप्स जो खराब होते हैं उसे निकाल देना है। मैंने सारे ग्रेप्स को गुच्छे में से अलग कर लिया है। अब इसे अच्छे से धो लेना है। मैंने सारे ग्रेप्स को अच्छे से धो के पोंछ लिया है। मैंने एक स्टीमर में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, उसके ऊपर इडली स्टैंड को रख देना है और इडली स्टैंड में सारे ग्रेप्स को डाल देना है। सारे ग्रेप्स को अच्छे से सेट कर लेना है और इसे कवर करके सिर्फ 3 से 4 मिनट ही पकाना है हाई फ्लेम पे। 3 से 4 मिनट में ही ये पक जाता है और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। 3 से 4 मिनट स्टीम करने के बाद ये ग्रेप्स का कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा। 3 से 4 मिनट ही स्टीम करना है वरना ग्रेप्स का मीठापन कम हो जाएगा। जैसे ही आप गैस को टर्न ऑफ करेंगे ग्रेप्स को तुरंत एक बर्तन में निकाल लेना है। अब सारे ग्रेप्स को किसी प्लेट में या कपड़े के ऊपर रख के एक एक करके इस तरह से फैला के धूप में रखना होगा। मैंने सारे ग्रेप्स को 3 प्लेट में एक एक करके इस तरह से फैला के टेरेस के ऊपर धूप में रख दिया। आज धूप इतना तेज नहीं था इसीलिए हल्का हल्का ही सूखा है। ये हमारे टेरेस का व्यू है, एशियास बिगेस्ट पगोड़ा जो कि एसएल वर्ल्ड में है। दूसरे दिन में भी क्लाउडी मौसम की वजह से ज्यादा तो नहीं सूखा है, फिर भी आधा आधा सूख चुका है। तीसरा दिन है लेकिन क्लाउडी मौसम के वजह से मुझे ये अभी भी थोड़ा गीला लग रहा है, तो और एक दिन मैं धूप में रखूंगी। देखिए, ये अभी भी थोड़ा गीला है। ये मेरे बिल्डिंग के बैक साइड के ग्राउंड में आज क्रिकेट मैच चल रहा है। आज 4th डे है और आज धूप बहुत तेज था तो ये अच्छे से अब सूख चुका है। वैसे 3 दिन में सूख जाता है लेकिन क्लाउडी मौसम के वजह से मुझे 4 दिन लगा। देखिए कितने अच्छे किशमिश बने हैं। मैं 1.5 किलो ग्रेप्स बाजार से लाई थी जो कि 80 रुपीज पर किलो मुझे आया था। अब ये 400 से 500 ग्राम जितना किशमिश बने हैं। तो आप समझ सकते हो कितने कम प्राइस में घर में किशमिश बन जाते हैं, वो भी इतने आसान तरीके से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।